राज्य में भूगर्भ जलस्तर काफी तेजी से नीचे जा रहा है, वहीं डैम तालाबों में भी पानी कम होता जा रहा है। शहर की बड़ी आबादी की प्यास बुझाने वाले हटिया डैम की क्षमता 38 फीट है, लेकिन पानी बस 22 फीट बचा है। ऐसे में आने वाले दिनों में पानी की राशनिंग भी देखने को मिल सकती है। पांच साल पहले राजधानी रांची की जो आबादी थी अब वो दुगुनी हो गई है। लगातार शहर का विस्तार हो रहा है और वाटर कनेक्शन भी लगभग एक आंकड़े के मुताबिक 40,000 नए लगे हैं। इस वक्त हम हैं हटिया यानी कि धुरवा डैम में और हम आज हटिया डैम का पानी का जो स्तर है उसके बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं और बता रहे हैं कि क्या रांची के लोगों की यानी शहर के लोगों को इस गर्मी में पानी उपलब्ध हो पाएगी या फिर पानी का राशनिंग भी किया जाएगा। हटिया डैम में लगभग 8 फीट पानी ही सप्लाई के लायक है, एक जानकारी मिली है और जानकारी संबंधित अधिकारियों की ओर से फोन पर दी गई है। हमको यह भी बता दें कि हटिया डैम में जल संकट जो है वो गहराने लगा है क्योंकि डैम में मात्र 5 महीने तक का पानी ही बचा हुआ है। जैसा कि संबंधित पदाधिकारियों ने कहा है, डैम की अधिकतम क्षमता 38 फीट है जिसमें अभी फिलहाल 22 फीट पानी मौजूद है, जबकि अभी तक 12 फीट तक पानी का सप्लाई जो है वो योग्य बताया जा रहा है। वहीं पिछले 3 वर्षों की तुलना में अगर हम बात करें तो इस वर्ष हटिया डैम का जलस्तर जो है वो 8 फीट कम बताया जा रहा है। पिछले साल इसी वक्त हटिया डैम में पानी का लेवल लगभग 28 फीट तक था, जबकि 2022 में इस जो अभी 29 अप्रैल तक एक आंकड़ा है उसके मुताबिक हटिया डैम का जलस्तर 32 फीट पर था। अधिकारियों ने यह भी बताया है कि हटिया डैम में शहर से सीमित आबादी को ही पानी की सप्लाई की जाती है, जिसके कारण डैम में 5 महीने तक का पानी अभी फिलहाल मौजूद है। इस डैम से रोजाना 44 MLD पानी की सप्लाई होती है, तो कमोबेश बात कहे तो ऐसे ही स्थिति जो है रांची के अन्य डैमों की है। उन डैमों में जलस्तर क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल हटिया डैम के जलस्तर में कमी आई है और यह कमी बताया जा रहा है कि लगातार जो जिस तरीके का गर्मी पड़ रहा है, जिस तरीके का तीखी धूप है, लोगों को हो सकता है जल संकट का सामना करना पड़े। सहयोगी हेमंत के साथ मैं चंदन भट्टाचार्य, न्यूज 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।